देवी, इंद्रदेव भले ही क्रोधित स्वभाव के हो, किंतु जहां आस्था, अपनत्व की भावना, आतिथ्य सेवा भाव हो, वहां क्रोध का कोई स्थान नहीं होता। आप चिंतित ना हो, इंद्रदेव किसी को श्राप नहीं बल्कि स्वर्ग लोक की सबसे अमूल्य निधि कामधेनु गाय, जो सबकी कामना पूरी करती है, उसका दान करने गए हैं। देवराज, इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है ऋषिवर, इस आश्रम में आगे और भी कई आगंतुक और अतिथिगण आते जाते रहेंगे। ये दिव्य गौ जो किसी की भी मनोकामना पूर्ण कर सकती है, आप इसे मेरी ओर से इस आश्रम के लिए एक सप्रेम भेंट समझकर कृपया स्वीकार कर लीजिए। सुना है बहुत ही दिव्य और अलौकिक गौ है वो। हाँ, मैंने भी यही सुना है कि वो कोई भी मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। तुम दोनों सिर्फ बातें ही करती रहोगी या शीघ्र चलोगी भी? मैं भी उस गौ माता को देखने के लिए कब से ललायित हो रहा हूँ। चलो शीघ्र। हाँ हाँ, चलो चलो। प्रभु, गौ माता कामधेनु की इस प्रकार सत्कार ने मुझे आपके भक्त नंदी का स्मरण करवाते हैं, जिसकी पूजा भी आपके समंग दूध से की जाती है। किंतु दोनों में दो प्रमुख विशेषताएं भी तो हैं। वो क्या स्वामी? नंदी और कामधेनु दोनों मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नंदी के कानों पर पड़ने वाली हमारी भक्तों की पुकार जहां हम तक स्वयं पहुंच जाती है, वही गौ माता कामधेनु अपने सेवक की पुकार सुनकर उसकी मनोकामना उसी समय पूर्ण कर देती है। किंतु स्वामी, उन मनोकामनाओं में भी तो अंतर है ना? जो भक्त आपके पुकार लगाते हैं, वो इस भौतिक जगत से उठना चाहते हैं, और जो भक्त माता कामधेनु को पुकारते हैं, वो इस भौतिक जगत में उठे रहना चाहते हैं। सत्य कहा देवी, इसलिए ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका गौ माता कामधेनु का उपयोग केवल जगत कल्याण के लिए ही करने वाले हैं। आज से इन्हें अपनी दूसरी माता समझकर मन लगाकर इनकी सेवा करना, ये सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। हाँ माँ। गौ माता, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, आज से आप मेरी दूसरी माँ हैं। राम, मुझे माता का स्थान देने वाले तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, आज से तुम भी मेरे पुत्र समान हो। वैसे राम तो रोज क्रीडा के लिए आता है, आज क्या बात हो गई? वो आया नहीं। मेरी माँ बता रही थी उनके आश्रम में गौ माता आई है। तो इसमें क्या विशेष है? गौ तो हमारे घर में भी है। हाँ, किंतु वैसी नहीं होगी जो अब राम के पास है। सुना है उस गौ से जो भी मांगो वो दे देती है। ऐसी भी कोई गौ होती है क्या? सुनने में तो ऐसे ही आया है।
परंतु देखा तो नहीं ना। और यदि देखना हो तो फिर राम को ही पकड़ना पड़ेगा। लीजिए गौ माता, गुड़ रोटी खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी ना। पुत्र राम, कौन बोला, कहाँ से आया ये स्वर? मैं तुम्हारी दूसरी माता हूँ। गौ माता, आप बोल भी सकती है? मैं तो तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण कर सकती हूँ पुत्र। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? और चलकर उस गौ की परीक्षण करवाते हैं। हाँ, चलते हैं। क्यों मित्र राम, गौ सेवा हो रही है क्या? नहीं मित्रों, ये गौ नहीं, मेरी दूसरी माता है, तभी तो इनकी सेवा कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है राम, किंतु मित्रों हमने सुना है इस दिव्य गौ से जो भी मांगो वो सब कुछ दे देती है। तुमने कुछ मांगकर देखा क्या? क्या क्या मांगा राम, हमें भी बताओ। हमें इनसे कुछ मांगने की क्या आवश्यकता भला, हमारे माता पिता तो हमको सब कुछ दे ही देते हैं ना। हमें तो बस इनकी सेवा करनी है। अब रोटी खाइए गौ माता। लेकिन मित्र, हमने सुना है ये गौ इसलिए दी गई है ताकि इसे कुछ मांगा जा सके, लेकिन ये कुछ देती भी है या नहीं कैसे पता चलेगा? इसलिए मित्र परीक्षण करने में क्या जाता है, कुछ मांग के भी देख लेते हैं। इतना हट करते हो तो ठीक है, फिर कहो हम अपनी दूसरी माँ से क्या मांगे। खिलौना नहीं, मिठाई नहीं, नए वस्त्र। ठीक है ठीक है, सबकी अलग अलग इच्छा है, मैं समझ गया। गौ माता, आप मेरे मित्रों को वस्त्र, खिलौने और मिठाइयां प्रदान कीजिए। देख लिया इनका चमत्कार? हाँ, देख लिया। प्रणाम महाराज। प्रणाम, कृपया विराजिए। आपकी इच्छा के अनुसार महिष्मति राज्य के योग्य युवाओं का चुनाव है महाराज। आचार्य जी, क्या हमारा पुत्र राज्य की युवाओं की गिनती में नहीं आता, या वो स्वयं परीक्षा और प्रतियोगिता से अलग होना चाहता है? महाराज, क्या एक राजा पुत्र को भी अगला राजा बनने के लिए सामान्य नागरिकों के साथ खड़े रहकर परीक्षा देनी पड़ेगी? यही हमारे माहिष्मति राज्य की विशेषता है महारानी। यहाँ राजा रक्त संबंध से नहीं बल्कि अपनी योग्यता को प्रमाणित करके ही राजा बनता है।
अपने पुत्र को आशीर्वाद दो माँ। विजय भव। क्या प्रतियोगिता आरंभ की जाए? प्रतियोगिता आरंभ कीजिए।
सबसे पतला और क्या है युवराज, बताइए हमें। किस तरह के शत्रु से मित्रता की जा सकती है महाराज? कितने तरह के ऋण होते हैं जो एक राजा को चुकाने होते हैं, पता है आपको? नहीं पता, नहीं पता, परंतु मैं फिर भी इस महिष्मती राज्य के राजा का पुत्र ही रहूंगा और उसे कोई नहीं बदल सकता। महाराज, हमारे पुत्र को एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। प्रतियोगिता इतनी जल्दबाजी में रखी गई थी कि हमारे पुत्र को विशेष तैयारी करने का तो मौका ही नहीं मिला। महाराज की जय हो। आपसे ये दोनों विद्वान ब्राह्मण मिलना चाहते हैं। तो बताइए, क्या निर्णय लिया आपने ब्राह्मण देव? महाराज, हमने बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा ही महिष्मती राज्य में देखी और इसके आधार पर हमने ये निर्णय लिया है कि इस वक्त महिष्मती राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपके सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सके। जी हाँ महाराज, और आपका पुत्र तो कदापि नहीं, क्योंकि वो एक राजपुत्र होते हुए भी एक सामान्य युवाओं से भी कहीं अधिक पीछे है महाराज। श्री, तुम यहां क्या कर रहे हो? प्रतियोगिता में पराजित होने के पश्चात अभी तक तो तुम्हें किसी योग्य गुरु के पास चले जाना चाहिए था। आपको लगता है केवल किसी योग्य गुरु का ज्ञान इस राज सिंहासन को चला सकता है? तो ये आपकी भूल है पिताश्री। पुत्र, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा पिता हूं। और एक पिता गुरु के समान होता है, और इसलिए मैं तुम्हें गुरु ज्ञान दे रहा हूं कि अपने माता के पीछे खड़े रहना छोड़ दो, अन्यथा जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि आपको लगता है मैं अपनी माता के पीछे खड़ा रहने वाला एक निर्बल, एक अयोग्य पुत्र हूं जो इस महिष्मती राज्य को संभालने के योग्य नहीं है, तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक मैं इस योग्य नहीं बन जाता, इस राज्य में कदम भी नहीं रखूंगा। मरण रहे पिताश्री, इस राज्य को मेरी बाजुओं की आवश्यकता होगी, किसी ज्ञानी पंडित की नहीं।